तो आप भी खूब ताली बजाना और इंजॉय करना जब इनका अब तमाशा हो। उन औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जो इस शो का हिस्सा भी नहीं है। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू सर। टीवी का सबसे चर्चित शो बिग बॉस 17 अब फिनाले से कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में घर के अंदर हर दिन नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं इस हफ्ते सलमान खान की जगह करण जौहर ने वीकेंड का वॉर होस्ट किया, जो खूब चर्चा में रहा। एक तरफ जहां करण ने कुछ कंटेस्टेंट्स को गले लगाया, तो वहीं कुछ सदस्यों की जमकर बैंड भी बजाई। एपिसोड की शुरुआत में पहले तो करण अकाइवी रूम में गए, जहां मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार पहले से ही मौजूद थे। डायरेक्टर ने इन सदस्यों से कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त आप सभी को एक प्यारी सी झप्पे की जरूरत है। घर के अंदर आप लोगों ने जितना कुछ झेला है आसान नहीं था, इसके लिए मैं आप लोगों को गले लगाने आया हूँ। इसके बाद करण कहते हैं कि मेरी ये चाहत है कि आप इस जादू के झप्पे की ताकत को अंदर ले जाएं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद करण ने ईशा मालविया की जमकर क्लास लगाई। दरअसल मुनव्वर की पर्सनल लाइफ को लेकर ईशा के बिहेवियर पर करण ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। करण ईशा से कहते हैं कि आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है, हमने देखा है कि कैसे आपने पूरे घर में मुनव्वर की पर्सनल बातों को बता बता कर मजे लिए हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या आप अपने इतिहास को भूल गई हैं? वहीं करण ने विकी जैन और समर्थ की भी क्लास लगाई। बाकी और अपडेट्स के लिए देखते रहें 1 मिनट।